और यही से निकल कर आएगा एक नया कंसेप्ट जिसकी हेडिंग अभी हमने डाली है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे है ये? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। आप ए से बी तक लेकर गए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, पता लगा कि डब्ल्यू ए बी जीरो है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, ना कुछ खर्च हुआ ना कुछ मिला। तो फिर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू कितना होगा? जीरो। डब्ल्यू ए भी जीरो है तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड करके भी जीरो आएगा। और अब आपने कहा वी बी माइनस वी ए, वी बी इज इक्वल्स टू वी ए, दोनों सेम पोटेंशियल पर है, करेक्ट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सरफेस इमेजिन कीजिए। ये सरफेस, जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तब इस सरफेस को बोला जाएगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरूरी नहीं है कि ये एक लाइन हो, ये एक प्लेन भी हो सकता है, ये एक कर्व भी हो सकता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना होना चाहिए? वर्क डन जीरो होना चाहिए। समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट, और अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर या इनडायरेक्टली जहां आपको ये कंसेप्ट यूज करना हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस पर मौजूद हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम या जीरो, जिस सरफेस के हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं। क्यों? जब वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्या? पोटेंशियल कितना? हमने पोटेंशियल क्या कहा था? पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जब वर्क जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्या? अरे डिफरेंस तो बाद में देखेंगे, पहले तो वर्क दिखाई दे रहा है, वर्क जीरो है, और जब जीरो वर्क है तो वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड करें, पोटेंशियल भी जीरो हो गया। हाँ जी, नहीं हाँ, मैं कंफ्यूज हूं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। पोटेंशियल जीरो नहीं, पोटेंशियल सेम, क्योंकि यहां वर्क डन इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक का नहीं ले रहे हैं, हम वर्क डन ले रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर। तो एक ऐसा सरफेस ना बोलकर हम एक वाइड टर्म यूज करेंगे जिसमें सरफेस भी इंक्लूड हो जाती है और लाइंस भी इंक्लूड हो जाती है, कर्व भी इंक्लूड हो जाते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। लाइन भी हो सकती है, ये सरफेस भी हो सकता है, लेकिन वर्ड हम सरफेस ही यूज करते हैं अक्सर। लाइन भी पॉसिबल है, ये सरफेस भी पॉसिबल है, लेकिन वर्ड हम सरफेस ही यूज करते हैं।
क्योंकि सरफेस पर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कहीं भी चल सकते हैं, लाइन पर तो केवल आगे पीछे चल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ। लिखें इसे, लिखते हैं, हेडिंग आप डाल देते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अ सरफेस और लोकस, अ सरफेस और लोकस, अ सरफेस और लोकस, अ सरफेस और लोकस कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स, कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस।